दोस्तों माई सिंपल गाइड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माई सिंपल गाइड चैनल पर आपको आपके पीएफ अकाउंट से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं, साथ में पीएफ अकाउंट से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए भी वीडियोस आपको माई सिंपल गाइड पर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और माई सिंपल गाइड को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ईपीएफ अकाउंट से जुड़ी कोई भी नई अपडेट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है तो पीएफ अकाउंट से जुड़े सारे नए अपडेट्स जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, ताकि इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर जब आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने जाए तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों साल 2022 लगभग आधा साल बीत चुका है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साल 2022 के अभी तक ईपीएफओ द्वारा लागू किए गए दो नए नियमों के बारे में। ईपीएफओ ने अपना पहला नया नियम साल 2022 की शुरुआत में ही यानी कि जनवरी 2022 से ही लागू कर दिया था, और ये नियम ईपीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को इस नियम के बारे में अभी तक पता नहीं है तो आगे चलकर आप लोगों को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट बंद भी किया जा सकता है, जिसके चलते आप अपने पीएफ अकाउंट से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये नियम क्या है, इस नियम के बारे में आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईपीएफओ द्वारा लागू किए गए दूसरे नए नियम के बारे में, जिसे हाल ही में यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है, और इसके रिगार्डिंग ईपीएफओ पहले से ही नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है। दोस्तों इस नए नियम के मुताबिक अगर आपके पीएफ अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा होता है, दोस्तों इस 2.5 लाख रुपए से ऊपर जमा होने वाली रकम पर मिलने वाले ब्याज पर अब टैक्स लगेगा। यानी कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा किया जाएगा और उस पर सरकार द्वारा जो ब्याज दिया जाएगा वो अब टैक्सेबल होगा, और उस पर ईपीएफओ द्वारा टीडीएस भी काटा जाएगा। अब बात करते हैं पहले नियम यानी कि ईपीएफओ द्वारा जनवरी 2022 में लागू किए गए नए नियम के बारे में। ईपीएफओ ने इस नियम के बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 के तहत इस नए नियम को लागू किया गया है। इस नोटिफिकेशन में ईपीएफओ द्वारा साफ साफ एम्प्लॉयर्स को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई पीएफ खाता उसके आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर यूएएन आधार वेरीफाई नहीं है तो उसका ईसीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। इसका मतलब ईपीएफ मेंबर्स यानी कि एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर शेयर कंट्रीब्यूशन नहीं मिल सकेगा और उसके पीएफ अकाउंट में केवल दो ही शेयर कंट्रीब्यूशन ही दिखाई देगा, यानी एक बड़ा लॉस एम्प्लॉयज को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों ईपीएफओ के इस नए नियम के मुताबिक हर ईपीएफओ मेंबर यानी हर एम्प्लॉय को अपने पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कराना बेहद ही अनिवार्य है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पीएफ अकाउंट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।